Solve the following equation for the given vector P. The relation given as P cross A plus P dot B, C vector is equals to B cross C, where A, B, C are non-zero, non-coplanar vector. A, B, C kya hai? Non-zero, non-coplanar vector, and A is neither perpendicular to B and nor perpendicular to C. Hence, prove that P cross A plus box of A, B, C upon A dot C, C vector is perpendicular to B minus C. ठीक है, तो अपने को P vector solve करना है और प्रूफ करना है कि जो ये गिवन वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा बी माइनस सी के. ठीक है, तो यहां से लेट से जो रिलेशन गिवन है पी वेक्टर में, जो रिलेशन गिवन है ये गिवन है पी क्रॉस ए प्लस पी डॉट बी इनटू यहां पे सी वेक्टर. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या गिवन है अपने पास, बी क्रॉस सी. ठीक है, तो बी क्रॉस सी गिवन है. ठीक है, लेट से इसमें अपन क्या करते हैं, यहां पे ए के साथ डॉट प्लॉट करते हैं. ठीक है, टेक डॉट विथ, मैं यहां पे क्या लिखता हूं, टेक, पहले पी वेक्टर को सॉल्व करना है, take dot with a vector. ठीक है, मैं यहां पे a vector के साथ dot लूंगा. तो सबसे पहले अपने को इस vector में p को solve करना है, उसके बाद ये second part proof करना है. तो अगर अपन a के साथ dot लेंगे तो ये आ जाएगा p cross a dot, क्या आ जाएगा यहां पे, dot a plus में ये आ जाएगा अपने पास p dot b, और into में क्या आ जाएगा यहां पे, ये value आ जाएगा यहां पे a dot b a dot c. This is equals to right hand side में value क्या आ जाएगा, b cross c, और into में क्या आ जाएगा, dot a. ठीक है, तो ये basically क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है box of abc. इसको अपन लिख सकते हैं box of abc, box product of abc, और ये value क्या आ जाएगा, p cross a dot a. तो ये quantity क्या होगा, 0, क्योंकि p cross a जो होगा वो a vector के perpendicular होगा, p cross a से जो resultant vector आएगा वो a के perpendicular होगा, और a के साथ अगर अपन dot लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, तो यहां से अगर मैं p dot b की value देखूं तो ये आ जाएगा अपने पास box of abc, ये आ जाएगा box of abc upon में a dot c. ठीक है, box of abc upon में क्या आ जाएगा, a dot c, और इस क्वांटिटी को लेट से मैं यहां पे लैम्डा अज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो इसको अपन बार-बार लिखने में अपने को इनकन्वीनियंस होगा, तो अपन इसको box of abc upon a dot c को अपन यहां पे लैम्डा बोल देते हैं. ठीक है, तो अब इस लेट से इस वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करूंगा, ठीक है, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में लेट से p dot b की वैल्यू अपन पुट करते हैं, ये लिखा अपने पास p cross a प्लस में क्या आ जाएगा यहां पे, p dot b को अपन यहां पे क्या लिखेंगे, लैम्डा, और ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ c वेक्टर इज इक्वल्स टू b cross c. ठीक है, तो ये यहां पे इसकी वैल्यू होगी. ठीक है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, लेट से इसको मैं b के साथ क्या करूंगा, क्रॉस लूंगा. ठीक है, टेक, मैं यहां पे टेक क्रॉस विथ, टेक क्रॉस विथ b वेक्टर. अगर अपन यहां पे इसके b वेक्टर के साथ क्रॉस प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा p cross a, p cross a, और क्रॉस में क्या आ जाएगा, यहां पे क्रॉस में b आ जाएगा, प्लस में ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ c क्रॉस b इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा ये b क्रॉस c, और इसका अपन क्रॉस किसके साथ लेंगे, b के साथ. ठीक है, अब मैं यहां पे इसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करूंगा. ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर अपन यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये यहां पे ओपन होगा p डॉट b, और इनटू में क्या आ जाएगा यहां पे a वेक्टर, माइनस में ये आ जाएगा a डॉट b, इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास p वेक्टर, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए फार्मूला अपन पुट कर दे रहे हैं, प्लस ये आ जाएगा अपने पास, तो यहां पे आ जाएगा लैम्डा c क्रॉस b, और राइट हैंड साइड में अपन यहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मोड ऑफ b स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा c वेक्टर, माइनस में क्या आ जाएगा यहां पे, ये आ जाएगा c डॉट b, और इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास, इनटू में यहां पे b वेक्टर आएगा. ठीक है, यहां पे ये b डॉट b था, ठीक है, यहां पे b डॉट b आता तो उसको अपन ने मोड ऑफ b स्क्वायर लिख दिया. ठीक है, तो मैं यहां से इसको अपन सिंपलीफाई करें, तो इसको अगर अपन यहां पे सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास वैल्यू, p डॉट b की वैल्यू क्या है अपने पास, लैम्डा के इक्वल, p डॉट b की वैल्यू मैं यहां पे लैम्डा पुट कर देता हूं. ठीक है, तो लैम्डा a वेक्टर, और प्लस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ c क्रॉस b. ठीक है, ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ c क्रॉस b, माइनस में क्या आ जाएगा यहां पे, माइनस ऑफ, ये आ जाएगा मोड ऑफ b स्क्वायर c वेक्टर, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में ये वैल्यू आ जाएगा c डॉट b, और इनटू में क्या आ जाएगा b वेक्टर, और दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा यहां पे a डॉट b, इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास p वेक्टर. ठीक है, तो यहां से अपन p वेक्टर को सिंपलीफाई करें तो p वेक्टर अपने पास आ जाएगा, p वेक्टर को अपन लिख सकते हैं यहां पे, p वेक्टर को लिख सकते हैं, अगर अपन लैम्डा कॉमन ले ले यहां पे तो ये लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस ये लिखा हुआ है c क्रॉस b, और माइनस में क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस में मोड ऑफ b स्क्वायर, और ये आ जाएगा c वेक्टर, प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस में c डॉट b, और इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास b वेक्टर, और इसको अपन डिवाइड करना होगा यहां पे किससे, डिवाइड अपन करेंगे यहां पे a डॉट b से. ठीक है, और जहां पे लैम्डा की वैल्यू अपने को क्या गिवन है, लैम्डा की वैल्यू अपन बोल सकते हैं box of abc. ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पे, box of abc डिवाइडेड बाय a डॉट c, डिवाइडेड बाय a डॉट c, तो ये यहां पे लैम्डा की वैल्यू होगी. तो लैम्डा की वैल्यू अपन यहां पे पुट कर सकते हैं,
ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय ए डॉट सी, ए डॉट सी। ये अपन ने पी वेक्टर को सॉल्व किया है, इनटू में क्या है अपने पास ए वेक्टर प्लस में सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी, और ये आ जाएगा माइनस में मोड ऑफ बी स्क्वायर सी वेक्टर प्लस में सी डॉट बी इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अपने पास, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए डॉट बी। तो ये यहाँ पे पी वेक्टर को अपन ने सॉल्व कर दिया इन टर्म्स ऑफ ए बी सी वेक्टर। ठीक है, अब जो क्वांटिटी सेकंड प्रूफ करना है वो मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगा। ठीक है, उसको अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो जो वेक्टर अपने को सॉल्व करना है वो क्या करना है, पी क्रॉस ए प्लस बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन ए डॉट सी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। तब इसका सेकंड पार्ट अपन प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, पी क्रॉस ए प्लस बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन ए डॉट सी सी वेक्टर। सेकंड पार्ट है यहाँ पे पी क्रॉस ए प्लस बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन ए डॉट सी, और यहाँ पे क्या गिवन है ए डॉट सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन ए डॉट सी, और यहाँ पे प्लस में क्या है सी वेक्टर है। तो लेट्स से अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्रॉस ए प्लस में ये क्या है लेमडा लिखा हुआ है, लेमडा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, पी क्रॉस ए लेमडा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। अब पहले अपन इस वेक्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पी क्रॉस ए अगर अपन देखें तो पी को अपन ए के साथ क्रॉस करेंगे, तो ये लेमडा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस में सी क्रॉस बी, और इसको अपने को ए के साथ क्रॉस लेना है, क्रॉस ए माइनस ये वैल्यू हो जाएगा मोड ऑफ बी स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगा सी क्रॉस ए प्लस में ये लिखा हुआ है सी डॉट बी, और इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास बी क्रॉस सी। ठीक है, अपन ने ए के सॉरी बी क्रॉस ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगा बी क्रॉस ए, ए के साथ अपन ने पी का क्रॉस ले लिया डिवाइडेड बाय ए डॉट बी प्लस में लेमडा सी प्लस में अपन लेमडा सी वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने पास पी क्रॉस ए प्लस लेमडा सी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब मैं इस वेक्टर को फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं अपन ए क्रॉस ए प्लस ये लिखा हुआ है सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी, और इन टू में क्या लिखा हुआ अपने पास इन टू में ए के साथ क्रॉस माइनस माइनस, और इसमें अगर मैं इसको आउटर चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ मोड ऑफ बी स्क्वायर, और ये इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस सी, और प्लस में ये वैल्यू आ जाएगा सी डॉट बी, या फिर इसको अपन लिख दें यहाँ पे बी डॉट सी। ठीक है, बी डॉट सी, और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे बी क्रॉस ए। ठीक है, बी क्रॉस ए और होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी प्लस में लैम्डा सी वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस में लैम्डा सी वेक्टर। अपन इसको लेट से रीअरेंज करें तो ए क्रॉस ए क्या होगा जीरो, किसी भी वेक्टर को उसी के साथ अगर अपन क्रॉस लेते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाता है जीरो, और इसको अगर अपन ओपन करेंगे ये क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये ओपन होकर आ जाएगा अपने पास लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट सी, और ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे बी वेक्टर माइनस में ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, और इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे ये आ जाएगा सी वेक्टर प्लस में ये वैल्यू हो जाएगा मोड ऑफ बी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ अपने पास ए क्रॉस सी प्लस में ये लिखा हुआ है बी डॉट सी, और इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास ये लिखा हुआ है बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय ये क्या लिखा हुआ है ए डॉट बी, और प्लस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लैम्डा डॉट सी। ठीक है, ये लिखा हुआ है लैम्डा सी वेक्टर। ठीक है, डॉट नहीं है, लैम्डा एक स्केलर वैल्यू है, तो ये लैम्डा सी वेक्टर। ठीक है, लैम्डा सी वेक्टर, यहाँ से अगर अपन इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पे ए डॉट बी के साथ, तो ये आ जाएगा लैम्डा ए डॉट सी को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर अपन देखें लैम्डा डॉट ए, लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी को अपन लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी बी वेक्टर। ठीक है, लैम्डा इंटू ए डॉट सी को अपन क्या लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी बी वेक्टर माइनस ये लिखा हुआ है लैम्डा ए डॉट बी, और इंटू में क्या है यहाँ पे सी वेक्टर प्लस में मोड ऑफ बी स्क्वायर, मोड ऑफ बी स्क्वायर ए क्रॉस सी प्लस में बी डॉट सी, और इनटू में क्या लिखा हुआ यहाँ पे बी क्रॉस ए, और ये वैल्यू आ जाएगा प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, और ये यहाँ पे हो जाएगा सी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे अपन ए डॉट बी से। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी से अपन इसको डिवाइड कर देंगे। अब अगर अपन देखें तो ये क्या है माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी सी वेक्टर, और ये आप यहाँ पे प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी सी वेक्टर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो फाइनली ये वेक्टर सॉल्व होके आया है, ये सॉल्व होके आया है बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी बी वेक्टर। ठीक है, ये आ गया बॉक्स ऑफ ए बी सी बी वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में मोड ऑफ बी स्क्वायर ए क्रॉस सी, और प्लस में क्या लिखा हुआ अपने पास प्लस में लिखा हुआ है बी डॉट सी, प्लस में बी डॉट सी, और इनटू में क्या लिखा हुआ यहाँ पे बी क्रॉस ए, और होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय ए डॉट बी। ठीक है, अब अपने को ये गिवन वेक्टर जो है
ये बोल रहा है इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू, ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी माइनस सी वेक्टर के साथ, ठीक है, ये बी बी माइनस सी वेक्टर के साथ में क्या है परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। लेट से अपन इसका डॉट प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू में बी वैक्टर प्लस में ये आ जाएगा मोड ऑफ बी वैक्टर, और ये आ जाएगा ए क्रॉस सी, मोड ऑफ बी वैक्टर ए क्रॉस सी प्लस में आ जाएगा यहाँ पे बी डॉट सी, और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास, डिनोमिनेटर में ए डॉट बी है और इसका अपन डॉट ले रहे हैं यहाँ पे लेट से किसके साथ, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है, तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के साथ अपन लेट से डॉट लेते हैं। अब अपन इसको लेट से यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ ए बी सी और ये क्या आ जाएगा बी डॉट बी, तो ये आ जाएगा मोड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, मोड ऑफ बी स्क्वायर। अब बी के साथ अपन इसका डॉट लेंगे, ये लिखा हुआ है प्लस में मोड ऑफ बी स्क्वायर और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए क्रॉस सी और डॉट में क्या आ जाएगा यहाँ पे बी प्लस में, ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पे बी डॉट सी और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा बी क्रॉस ए डॉट में क्या आ जाएगा बी। अब माइनस सी के साथ मैं यहाँ पे इसके साथ डॉट लेता हूँ, तो माइनस सी के साथ अगर अपन डॉट लेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी और इंटू में क्या आ जाएगा अपने पास, इंटू में बी डॉट सी और माइनस में ये वैल्यू आ जाएगा माइनस में मोड ऑफ बी होल स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी और इसके साथ अपन डॉट लेंगे सी के साथ, ठीक है। और सिमिलरली अगर अपन देखें तो ये यहाँ पे इसके साथ डॉट था, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे बी डॉट सी और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे बी क्रॉस ए और इसका अपन डॉट लेंगे सी वेक्टर के साथ में, और ये माइनस साइन आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस साइन आएगा और होल डिवाइडेड बाय डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे ए डॉट बी, डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे ए डॉट बी। अब अगर मैं ये वैल्यू देखूँ, मैं बी क्रॉस ए जो होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस ए जो होगा वो बी के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको अगर अपन डॉट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन देखें यहाँ पे तो ए क्रॉस सी जो होगा वो सी के परपेंडिकुलर होगा, तो ए क्रॉस सी को अगर सी के साथ डॉट लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पे दो टर्म्स क्या होगा यहाँ पे जीरो, ठीक है, तो इसको अगर अपन आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू मोड ऑफ बी स्क्वायर और ये अगर अपन देखें तो ए क्रॉस सी डॉट बी लिखा हुआ है, तो ये माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइक्लिक ऑर्डर चेंज है, ठीक है, ए बी सी लिखेंगे इसको तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा और इसको लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ ए स्क्वायर और इसके लिए ऑर्डर चेंज करना होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ए, अपन बी और सी को बस ऑर्डर चेंज कर दिए, क्रॉस को एज इट इज रहने दे, तो यह इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, ये अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और बाकी के दो टर्म्स क्या है, माइनस ऑफ ये लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ ए बी सी और इंटू में क्या है यहाँ पे बी डॉट सी, ठीक है, ये क्या लिखा अपने पास बी डॉट सी, ये लिखा अपने पास बी डॉट सी, ये जगह बॉक्स ऑफ ए बी सी और इंटू में क्या ये जगह बॉक्स ऑफ ए बी सी और यह जगह बी डॉट सी और इंटू में अगर अपन देखें यहाँ पे बी क्रॉस ए डॉट सी, साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पे चेंज है, तो इसको यहाँ पे प्लस साइन लिखेंगे और ये आ जाएगा अपने पास बी डॉट सी, बी डॉट सी और इसको अपन ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट डॉट सी डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा अपने पास, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए डॉट बी। अब अगर अपन देखें तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी डॉट सी बेसिकली क्या लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ ए बी सी, और यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये क्या लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ ए बी सी और ए क्रॉस बी डॉट सी, ये भी बॉक्स ए बी सी लिखा हुआ है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो अपॉन ए डॉट बी, तो ये वैल्यू बेसिकली किसके कोल आ गया जीरो। अगर ये जीरो के कोल आ गया तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ये जो गिवन वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा बी माइनस सी के, ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।